नमस्कार दोस्तों, मैं निखत बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। पेट फूलने की समस्या को अक्सर गैस से जुड़ी बीमारी समझा जाता है, जो ज्यादातर मामलों में सही भी होती है। दरअसल अनहेल्दी लाइफस्टाइल और डाइट प्लान के कारण पाचन प्रणाली ठीक से काम करना छोड़ देती है, जिससे पेट में गैस बनने जैसी समस्याएं होने लगती है। यही कारण है कि स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल के कारण लोगों का पेट फूलने लगता है। लेकिन क्या आपको पता है, पेट फूलना सिर्फ गैस के कारण ही नहीं बल्कि किसी बीमारी का संकेत भी हो सकता है, और इस बीमारी का नाम है एस्टेसिस। इस बीमारी में व्यक्ति के पेट में पानी जमा होने लगता है और इसे जलोदर के नाम से भी जाना जाता है। जलोदर एक ऐसी बीमारी है जिसकी अगर समय पर देखभाल ना की जाए तो इसे लीवर व किडनी जैसी समस्याएं होने लगती हैं, और कुछ गंभीर मामलों में यह अंग सामान्य रूप से काम करना भी बंद कर देते हैं। चलिए तो आज हम जानते हैं इस वीडियो में कैसे एस्टेसिस पेट फूलने से अलग है और इसकी पहचान कैसे की जा सकती है। एस्टेसिस में भी फूलता है पेट। जलोदर को एक गंभीर बीमारी इसलिए समझा जाता है क्योंकि शुरुआत में ज्यादातर लोग इसकी पहचान नहीं कर पाते हैं और बाद में यह गंभीर रूप धारण कर लेती है। जलोदर में पेट में असाधारण रूप से पानी भरने लग जाता है, जिससे पेट फूलता है और ज्यादातर लोग समझते हैं कि यह गैस की समस्या है। हालांकि अगर इसके लक्षणों पर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो व्यक्ति को पेट फूलने के अलावा कई अन्य लक्षण भी महसूस हो सकते हैं। एस्टेसिस के लक्षण। अगर पेट में बहुत ही कम मात्रा में पानी जमा होता है तो उसकी पहचान करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हालांकि फिर भी इसकी पहचान की जा सकती है। सीधे लेट जाएं और अपने एक हाथ से उंगली को पेट के एक तरफ रखें और दूसरे हाथ की उंगली से मारते हुए हाथ को पेट के बीच तक लेते जाएं। अगर आपको पेट के अंदर पानी महसूस हो रहा है या फिर अंदर पानी से लहरें बन रही हैं, तो यह एस्टेसिस है। हालांकि पेट में कम पानी है तो यह भी हो सकता है कि आपको इस बीमारी का पता ना चले। ऐसे में आप अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। किस कारण से होता है एस्टेसिस, यह भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एस्टेसिस ज्यादातर मामलों में लीवर से जुड़ी बीमारियों का संकेत भी हो सकता है। अगर आपको एस्टेसिस है तो आपको अपने लीवर की अच्छे से जांच भी करा लेनी चाहिए। ज्यादा शराब पीना या लीवर संबंधी कोई बीमारी जैसे हेपेटाइटिस बी होना जलोदर के प्रमुख कारणों में से एक है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।